संकर बीजों की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश की दर से अनुमोदन किया जाता है। नत्रजन को 3-4 बार में और पोटाश को 2 बार में डालें। परागजनक नर पंक्तियों में उर्वरक की ज्यादा खुराक डाली जानी चाहिए। सिंचाई और पानी के निकास का उचित प्रबंध होना जरूरी है। खेत में पानी की अधिक मात्रा रखने पर फसल में फूल समय से पहले निकल आएंगे। पौधों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ साथ समय पर खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। बीज उत्पादन क्षेत्र से अवांछनीय पौधों को समय से निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। ये विधि बीजों में मिलावट और आनुवांशिक अशुद्धि को रोकने के लिए होती है। इसे 3 अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, अंतिम फूल आने और पकने के दौरान किया जाना चाहिए। संकर बीज में 1% अशुद्धि से व्यावसायिक फसल की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम का नुकसान होता है। दोनों जनक वंशों वाली कतारों में बुनियादी बीजों की पूर्ण शुद्धता तय हो जाने पर रोगिंग की आवश्यकता कम होती है। फूल आने की अपेक्षित तारीख से 1 महीने पहले उसका अनुमान लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसका पता डंठल को चीरकर और मूल नर और मादा दोनों के भीतर बन रहे पुष्प गुच्छों की बढ़ोतरी को देखकर लगाया जा सकता है। पुष्प गुच्छों के विकास की 10 अलग अलग तरह की अवस्थाएं होती हैं। पुष्प गुच्छों के विकास की 3री अवस्था से लेकर 5वीं अवस्था के दौरान उपायों को अपनाकर फूल आने के समय को तय किया जा सकता है। मादा जनक में ध्वज पर्ण वाली पत्ती में से बाली पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती हैं। इस पत्ती से बाली निकालने के लिए जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर तरीके से दाग साफ हो जाता है, पुष्पांग अच्छी तरह खुल जाता है और बढ़िया बीज हासिल होता है। ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए पहले से अल्कोहल में घोलकर रात भर रखना चाहिए। आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर इसका छिड़काव सुबह या शाम किया जा सकता है, पर छिड़काव के समय हवा न चल रही हो। प्रति हेक्टेयर 60 से 90 ग्राम तक खुराक की सलाह दी जाती है। इसमें से 40% मात्रा पहले दिन और बाकी मात्रा अगले दिन इस्तेमाल करनी चाहिए।